हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन मेनिया बाय प्रीति। तो आज की रेसिपी है बैचलर्स या बिगिनर्स के लिए झटपट से बनने वाला चटपटा एग फ्राई। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रेसिपी बना रहे हैं जो कि एकदम झटपट से बन जाएगी। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 बॉइल्ड एग्स, प्याज चॉप करके, अदरक लहसुन नमक और पेपर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉसेस और बेल पेपर्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं ये फटाफट बनने वाली चटपटी सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक पैन को हीट किया और उसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला। एक बार ऑयल हीट हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए अदरक और लहसुन। इसे हम कर लेंगे अच्छी तरह से सौते और एक बार जब इसका अरोमा आने लगे तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। कई बार हम रेगुलर वाली एग करी या फिर ऑमलेट खाकर हो जाते हैं बोर, तो अंडे की ये दूसरी रेसिपी हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा बेल पेपर जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा हमारे इस डिश में। बेल पेपर से ना सिर्फ फ्लेवर बट हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, तो इसे हमारे खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। तो अब चलिए कर लेते हैं हम बेल पेपर्स को अच्छी तरह से अपने जिंजर गार्लिक के साथ सौते और आप फील कर सकते हैं कि कितना टेस्टफुल अरोमा अभी आ रहा होगा। तो चलिए डाल देते हैं इसमें चॉप की हुई अनियन और अब हम इसे अनियन के साथ सौते करेंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है हम मीडियम हाई ही रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे क्योंकि हमें इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा स्टीमी या सॉगी नहीं करना है, थोड़ा क्रंची ही रखना है। तो बस इसे पकाने के लिए हम यहाँ पर इसे मीडियम हाई फ्लेम पर सौते करते हुए ही पकाएंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और टैंगी और स्पाइसी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ ग्रीन चिलीज डाल दी हैं स्लिट करके। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट ध्यान रखें कि जो सॉसेज होती हैं उनमें भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट बैलेंस का ध्यान रखकर ही सॉल्ट डालें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच यूज़ किया है। इसी तरह से इसमें बाकी के सॉसेज और विनेगर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस, चिली सॉस और विनेगर इसमें डाल दिया और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए। तो अब चलिए डाल देते हैं फाइनल इंग्रेडिएंट जो है बॉइल्ड एग्स। तो इसे हम लास्ट में डालेंगे और बहुत ही जेंटली इसे मिक्स करेंगे जिससे कि ये टूटे ना। तो आई एम श्योर ये जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इसमें हमें एग को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा चटपटा एग फ्राई। मैंने इसे आज सर्व किया है होल व्हीट गार्लिक नान के साथ और आप इसे ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों होप आपको आज का वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। So see you in my next video. Till then, take care, stay safe, bye-bye.